ऐसी जगह पे बैठा हुआ शेरू वन की कपे। इसे ही मुबारक। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, जब आप बच्चों को कुछ करने को कहेंगे वो नहीं करेंगे, और जब आप नहीं कहेंगे तो खुद से करेंगे। ये एक बच्चों का मुझे लगता है कि ओए देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का पहला दिन है, आवाज लड़खड़ा रही है, रात भर सिर्फ एक डेढ़ घंटा सोए हैं, क्योंकि बकरा ईद में होता ही इस तरह है कि नींद नहीं आती रात में एक्साइटमेंट की वजह से। बहुत लेट हो गए इस दफ़ा नमाज के लिए, अब्बू हमें छोड़ के वो हमारे जो है ना वो अब्बू आगे पहले निकल गए कि भाई तुम लोग आते रहो, लेट लतीफ़ो सोते रहो, मैं तो जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। कुर्बानी स्टार्ट होने वाली थी थोड़ी देर में, और इस दफ़ा जो है वो बड़ा टेक्निकल तरीके से मैनेज किया गया कुर्बानी को, हर कसाई को अपना अपना टाइम दिया गया है। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं ईद की शुरुआत। नमाज भी खड़ी हो गई है, स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आने वाला है। नाखून और शेव कब करवानी है? अभी करवा लेते ना जाके। हाँ तो करें तो कुर्बानी, मतलब पहला बकरा काट के करवा लूं, कर लूं जाके कमरे में, ज़रा फ्रेश लुक आनी चाहिए ना। लास्ट लास्ट आखिरी अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, ठीक हो आप? इसके घर वालों ने, इसके घर वालों ने स्पेशल बोला कि आपने मुनीर पट के बकरे पहले काट लें ताकि हम आपको वीडियो में देखें। अरे वाह वाह, बस देख लेंगे इंशाल्लाह। बार बकरा निकला है जो मैं लेकर आया था, तीन छुरी फेरने के 5-6 मिनट तक जो है उसकी जान बाकी थी, इतना जानदार और जान इसकी माशाल्लाह इतनी थी कि मैं हैरान हूँ कि यार एक बकरे में अल्लाह ताला ने कितनी जान डाली हुई, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और पूरी गली में अब तक सबसे पहला मेरे घर से डेब्यू हमारे घर से हुआ है। नाश्ता के बाद जल्दी जल्दी ना बकरा देने कलेजी बने और हम फिर नाश्ता करें। ईद के दिन तो भाई पहले दिन तो बनती ही, आपको पता नाश्ता हो गया कलेजी के साथ, सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया। इस दफ़ा हम लोगों ने बहुत इसको प्लान किया है कुर्बानी को, कोई ज़्यादा रश ना लगे घर पे, और पोर्शन के अंदर हम 7 बजे बकरे, 9 बजे गाय, और ऊँट जो है वो 11 बजे हमने उसको सर्विस डिवाइड किया। अमल का सबसे फेवरेट, अमल 2 दिन से इतनी अपसेट है जस्ट बिकॉज उसको पता है कि शेरू कच्चा है, और मैंने उसके बाद समझाई और उसको समझ आ गई एंड में कि हमें इसको सेक्रीफाइस करना होता है अल्लाह के लिए। वो कह रही है हाँ, अब आई एम फाइन फॉर अल्लाह, इट्स ओके। ये देख माशाल्लाह, चेक कर, हिरन है, हिरन देख। बाय बाय, चलो भाई मुन्ना है भाई। फाइनली 9 बजे का टाइम था, 8:58 पे जो है वो गाय का कसाई आ गया। सलाम है भाई, मैन ऑफ वर्ड्स। ओ हो हो, अब कटेगी गाय, काउस ले आओ भाई। वक्त की पाबंदी करते हुए टाइम पे आए, लेकिन ये गेम नहीं करते थे गिरा के आगे निकल जाते, ये अंदर करो गेट बंद कर दो बाहर से। ले आओ अबू की सुन लो, गोश खोलने पे कारीगर बढ़ाना, गोश बनाने पे कारीगर बढ़ाना। पिछले साल वाला समझ रहे हो क्या? हाँ पिछले साल वाला समझ रहे हो? मैं पिछले साल में था ही नहीं यहाँ पे, आज में क्या होता? कौन था खोल के लाया इसको? इसको वापस बांधो यार, वहाँ पे एक ही करके लेकर आओ ना, सारे थोड़ी साथ खुलेंगे बेटा, वापस बांधो इसको। भाई इत्तेफाक ऐसा हो गया कि पता नहीं कौन से कोई नेक मिलिट्री ट्रेंड कसाई मिल गए, टाइम के इतने पंक्चुअल दोनों ही कसाई टाइम पे आ गए हैं। अभी तो हम लोग जो है पछड़ा काट रहे हैं, और ऊँट का कसाई भी आ गया है कि भाई आज आ गया हूँ मैंने आपको 10 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम दिया सर। देखो खैर, बच्चों को उठाते हैं जाके, बच्चों ने कहा था ऊँट जब कटे तो हमें बताना है आपने।
तू भी गाड़ी डाले रहा है। मुझे लग रहा है ये कसाई जो है ना थोड़ा वो है, ये मैं मुश्किल ऊँट है भाई। लास्ट टाइम ने ऊँट किया था ना वो फिर बड़ा आसानी से कट गया था। गई 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 अल्ट्रा कसाई आ गए उस्ताद आ गए उस्ताद। चूल्हा नहीं मार रहा इसको, पानी पिलाओ यार इसको भाई को। आवाज आई कि आ जाओ अंदर आके खा लो, खाना तैयार है। तो हम आ गए हैं फाइनली, कलेजी रेडी है, लुक्स डिलीशियस। इसके ऊपर अब डालेंगे थोड़ा सा लेमन। भाई एक दिन में कितने जानवर गिरा लेते हो? थोड़े दो चार और लगा लेते हो, 10-12। अमीर आदमी तो यार, इसका मतलब करोला कहाँ करिए तेरी। भाई आप कितने कर लेते हो ऊँट एक दिन में? ईद के पहले दिन, ईद के पहले दिन कर लेते हैं 6-7-8। क्या हुआ, ऊँट क्यों नहीं गिर रहा था तुमसे यार? भाई ऊँट इसलिए नहीं गिर रहा था, एक तो ऊँट जो ना फुल अपनी मस्ती में था। अच्छा, लोग थे यहाँ पर, शोर कर रहे थे, गाड़ियों की आवाज आ रही थी। ये तो किताबी बातें हो गई, अब असल बात बता। असल बात तो यही है। हाँ जी, निकल चले हैं हम लोग रात के 11 बजे ससुराल के लिए, और ये केक मैंने ले लिए हैं। लेट्स गो टू ससुराल नाउ। जी गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं ईद की खुशियां मनाने, बट रात को निकले हैं 12:15 बजे, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद मैं सो गया था पूरी रात, मतलब सिर्फ 1.5 घंटा मैं सोया हुआ था, और कुर्बानी ने जब इतना थका दिया कि नींद पूरी करने बहुत ज़रूरी थी। अमर इज विद अस। अमर, व्हाट इज टुडे? इसे ईद मुबारक। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, जब आप बच्चों को कुछ करने को कहेंगे वो नहीं करेंगे, और जब आप नहीं कहेंगे तो खुद से करेंगे। ये एक बच्चों का मुझे लगता है कि ओए देखा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और लेट्स गो, लेट्स गो। बंद करो भाई गाड़ी। हाँ भाई, कर लिया वो बकरा, हो गई वो बकरी कुर्बानी। वहाँ गली के सामने से वहां से स्मेल आ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ईद, बकरा ईद के पहले दिन मैं चिकन खाऊंगा, इसलिए मैं खा भी नहीं रहा, सिर्फ तुम लोगों का खाना ही है। आपका कंटेंट मेरा कंटेंट है यार, ये क्या बात है, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, सो बकरा ईद कुर्बानी के दिन क्या खिला रहे हो भाई? कोई है ही नहीं यार, मैं नहीं, वो खुद कुर्बानी का गोश्त बांटने गए के साथ।